सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि लास्ट व्लॉग इतना कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए हुई थी कि मेरा वेट वापस 74 kg हो गया था एंड माई बल्किंग इज़ ऑल्सो गोइंग वेरी ग्रेट। तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं उस दिन 35 kg के डंबल्स यूज़ करने वाला था, बट देवांश के ना होने की वजह से मैं उस दिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो आज है थर्सडे, जिस दिन मेरा होता है पुश डे। सो आज मैंने डिसाइड किया है कि जो व्लॉग मैं आज बनाऊंगा वो देवांश के साथ 35 kg के डंबल यूज़ करेंगे, और उसमें टाइम तो लगेगा खैर डंबल्स को बनाने में, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं जिम। और बाकी देवांश भी इस बार 35 kg के डंबल चलाने वाला है। सो उसने भी काफ़ी प्रोग्रेस की है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो में 35 kg के डंबल चलाए थे तो मेरे आई थिंक 4 रेप आए थे और देवांश ने 25 kg पे PR लिया था। सो अब उसने भी इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि वो 35 kg के डंबल्स चला पाएगा। सो देखते हैं उसके कितने रैप्स आते हैं। आई थिंक कि उसके 2 रैप्स आ जाएंगे, क्योंकि इतना उसने स्ट्रेंथ गेन कर लिया है। सो चलो जिम चलते हैं और देखते हैं कैसा होता है आज के दिन। सो आज मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया है। चलो बाय, अंश निकल लें, बाय बाय। सो आज मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया है क्योंकि काफ़ी हाइप्ड अप फील हो रहा है, और आज के हाइप को मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू चेक कि मैं बिना प्री वर्कआउट के कितने रेप्स निकाल सकता हूँ 35 kg पे, और लास्ट टाइम 4 आए थे, इस बार देखते कितने आते हैं। Behind infinity and back again. I'm to them. Young dog and I talking. स्टार्ट करेंगे। बाकी प्री वर्कआउट नहीं लिया है उसका थोड़ा सा असर तो लग रहा है, क्योंकि इतना हाइप फील नहीं हो रहा है, बट इसी में ट्राई करेंगे कितने रैप्स आते हैं। मैंने न्यू रिस्ट स्ट्रैप्स भी लिए हैं, तो इसका यूज आज करेंगे। भाई साहब ने ऐसा फेल किया है कि वो फाड़ दिया भाई डंबल दोबारा। अभी फिर चिपकाएंगे, अभी हम दूसरा ट्राई लेंगे, देखते हैं कैसा। Oh,
में काफ़ी पेन हो रहा है इस वजह से। फर्स्ट टाइम में चार रैप निकले, मुंह से मूंगफली टूट। मुझे ये बताने ऊपर आना ही पड़ा क्योंकि देखा आप लोगों ने कितना बेकार गया मेरा 35 kg का सेट। अटेंडेंस में बहुत पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों, बट काफ़ी मुझे पेन फील हुआ। तो तीसरे रैप के बाद जान ही नहीं लग पा रही थी क्योंकि इतना पेन होने लगता था, अनबेरेबल पेन हो रहा था इस वजह से। वो फोर्थ रैप या फिफ्थ रैप आ ही नहीं रहा था। फर्स्ट सेट में चार रैप आए, वो भी चौथा अच्छा, मतलब डेप्थ नहीं थी उतनी रैप में। बट दूसरा और तीसरा सेट भी ट्राई किया मैंने, उसमें भी तीन रैप आए सिर्फ। तो मेरी बेंच इम्प्रूव हुई है तो इस वजह से मुझे लगा कि आज 5 या 6 रैप्स आ जाएंगे 35 पे। पता नहीं कैसे, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि 35 केजीज पे 5 या 6 रैप आए। और प्री वर्कआउट भी नहीं लिया था आज तो, लेकिन प्री वर्कआउट से नहीं होता कुछ, बट काफ़ी पेन हो रहा था इस वजह से। तो अभी आगे का निकालते वर्कआउट। डंबल्स पे सोचा था कि 5 या 6 रैप आएंगे, बट वो एम पूरा नहीं हो पाया। और जब बेंच पे गए तो डंबल्स निकाल चुके थे इतना हैवी, और इतनी बार ट्राई कर लिया था कि चेस्ट काफ़ी हद तक फटी हो चुका था। और 50-60 kg पे मैंने सेट्स निकाले हैं तो वो भी कुछ खास नहीं हुआ। तो चेस्ट को सिर्फ पंप दिया और फिर शोल्डर्स निकाला, ट्राइसेप निकाला। और सो एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इसी चैनल पे अब डेली शॉर्ट्स शायद अपलोड करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ अगर वो शॉर्ट्स पसंद आते हैं आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और उसको शेयर करें। और अगर आप लोग को डेली शॉर्ट्स पसंद नहीं आते तो मैं वीक में 2 या 3 शॉर्ट्स डालना स्टार्ट कर दूँगा। और इंस्टाग्राम का हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें क्योंकि उस पर भी मैं रील्स बनाता हूँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन build muscle, stay healthy. Execution many ways, the dice I choose one. Excellence the usual. Yeah. Forgot the cake, I'ma need more than 2.